पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। उसके साथ ही लाइक और शेयर कीजिए और अपने कमेंट से भी आगाह कीजिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम अपने किचन में बना रहे हैं चटपटी चना चाट। चटपटी चना चाट बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो नोट कर लीजिए। इसके लिए मैंने लिए हैं काले चने तकरीबन एक पाव, बॉयल किए हुए आलू हैं 2 से 3 अदद, इमली का पानी लिया है मैंने तकरीबन 1 प्याली, बारीक कटी हुई प्याज है 1 अदद, बारीक कटा हुआ टमाटर 1 अदद, बारीक कटा हुआ धनिया 2 बड़े चम्मच, बारीक कटा हुआ पुदीना 1 बड़ा चम्मच, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची 1 से 2 अदद, पिसा हुआ जीरा 1 बड़ी चम्मच, नमक हसबे जायका, लाल मिर्ची 1 छोटी चम्मच, पिसा हुआ धनिया 1 बड़ी चम्मच। इसके अलावा हमें चाहिए जीरा साबुत 1 छोटी चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 छोटी चम्मच, चाट मसाला पाउडर 1 छोटी चम्मच, ऑयल चाहिए हमें तकरीबन 2 से 3 बड़े चम्मच। चले आए अब हम चटपटी चना चाट की तैयारी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम अपने चने बॉयल कर लेंगे। ये मैंने चने रात को भिगो के रख दिए थे और इनको अच्छी तरह से धो लिया है। तकरीबन 2 ग्लास पानी लिया है मैंने कुकर में, चने डाल दिए हैं इसमें। चने डालने के बाद अब इसमें हम जीरा पाउडर, नमक, लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, इन सब चीज़ों को डाल के हम 15 से 20 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे और जब ये गल जाएंगे इसका पानी खुश कर लेंगे अच्छी तरह से। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं, हमने इसको प्रेशर लगा के छोड़ दिया था, अब हम चेक करते हैं। ये देखें पानी भी तकरीबन खुश्क हो चुका है, चने भी हमारे गल चुके हैं। चले अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। एक बर्तन में अब हम ऑयल लेंगे 2 से 3 चम्मच। ऑयल गरम हो जाएगा इसमें साबुत जीरा और कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, अब हम इसमें साबुत जीरा और कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करके इसको कड़कड़ा लेंगे। इनको डालने के बाद फिर हम इसमें चने शामिल कर देंगे और इसको थोड़ी देर भून लेंगे। अब हमने इसमें चने शामिल कर दिए हैं और इसको थोड़ी देर भून लेंगे हम। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, इसको हम अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब हम इसमें इमली का पानी शामिल करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए अब हम इसे पकने देंगे। तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं, इमली का पानी पकना शुरू हो चुका है। जब ऐसे बबल्स बनने शुरू हो जाएं, तब आप फ्लेम ऑफ कर दें। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चने अब हमने एक बाउल में निकाल लिए हैं, बाकी का सारा सामान हम इसमें शामिल कर देंगे। चाट मसाला, आलू को हमने काट लिया था, प्याज, पुदीना, हरी मिर्ची, धनिया, टमाटर, इन सब चीज़ों को डाल के अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मज़ेदार सी हमारी चटपटी चने की चाट रेडी है, इसको आप टाटरी वाली चाट भी बोल सकते हैं। मज़ेदार सी चटपटी चना चाट हमारी तैयार है, आप इस मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। Thank you.